नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSE All Jobs Online में। दोस्तों, बात करेंगे हम आज हम बात करेंगे आर्मी हाई क्वार्टर साउथर्न कमांड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो आपको मैं इस वीडियो के में बताने वाला हूँ। आर्मी हाई क्वार्टर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको मैं बताऊंगा। परमानेंट जॉब है आपकी, ऑल इंडिया से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के बारे में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। अगर इस पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वीडियो पे, तो आपको मैं ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा उसका फॉर्म। तो अभी आपको मैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, फ़ीस कितनी रखी गई है, कब से ऑनलाइन होएगी, और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जो है पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी वीडियो उसकी जो है आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। कि मतलब कि जैसे ही जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले सूचना मिलेगी। तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो हर वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। उससे फ़ायदा ये है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा, जो भी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर बताते हैं आपको आर्मी हाई क्वार्टर रक्षा मंत्रालय की तरफ से कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, इसका ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप देख लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिख रहा है हाई क्वार्टर साउथर्न कमांड विल बी हेल। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, पोस्ट आपकी कुछ यहाँ पर निकाली गई है, तो आपको हम इसके वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट निकाली गई है वो MTS के पदों पर निकाली गई है। नंबर एक वैकेंसी जो निकाली गई है आपके MTS मैसेंजर जो है यहाँ पर निकाली गई है। और यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं, जनरल की 9 वैकेंसी है, ST की एक है, SC की एक है, OBC की एक है, EWS की एक है। सैलरी की बात करें तो 18 हज़ार प्लस से लेके 56 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी है। एज की बात करें तो 18 साल से 25 ईयर मांगी गई है। आपका इसमें 10th क्लास पास होना चाहिए, ओनली आप इसमें 10th क्लास से फॉर्म को भर सकते हैं। और 1 ईयर एक्सपीरियंस द ट्रेड, 1 ईयर एक्सपीरियंस का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट की बात बता दी, अब दूसरी पोस्ट की बात करते हैं। MTS DFRE ये इसकी वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी, इसमें आपकी जनरल की वैकेंसी एक है, OBC की एक है, EWS की एक है, टोटल 3 वैकेंसी हैं यहाँ पे। 18 हज़ार से 56 हज़ार के बीच आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी आपकी सेम है और आपकी एज भी सेम है, 18 से 25 साल मांगी गई है। बाकी आपका उसमें हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी होना चाहिए, आपका सेम चीज़ मांगी गई है। अब तीसरी वैकेंसी जो निकाली गई है वो कुक की निकाली गई है। कुक की बात करें तो जनरल की ओनली वैकेंसी है, ओनली जनरल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की 2 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। सैलरी आपको 19 हज़ार से 63 हज़ार 200 के बीच आपको मिलेगी, सैलरी इसमें थोड़ी बढ़ के मिलेगी औरों के मुकाबले जो ऊपर 2 पोस्ट हैं। 18 साल से 25 ईयर की आपको यहाँ पर एज दी गई है, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, प्लस आपके पास कुक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, खाना बनाने का। उसके बाद आता है वाशरमैन। वाशरमैन की बात करें तो 2 वैकेंसी है ओनली जनरल वालों की, और 18 हज़ार 56 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है इसमें। और दोस्तों, इसकी बात करें 18 साल से 25 साल मांगी गई है, हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। उसके बाद आता है माजडोर। माजडोर में लिखा गया है 3 वैकेंसी, जनरल की 2 वैकेंसी है, OBC की 1 वैकेंसी है। 18 हज़ार से सैलरी स्टार्टिंग, 56 हज़ार के बीच आपको सैलरी मिलेगी। वो दोस्तों 18 साल से 25 साल की उम्र मांगी गई है, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप करते हैं मैं MTS, इसकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। MTS यहाँ पर जनरल की 1 वैकेंसी है, 18 हज़ार से 56 हज़ार के बीच आपकी सैलरी मिलेगी, 18 साल से 25 हज़ार की उम्र होनी चाहिए, आपका 10th क्लास पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप जनरल OB जनरल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोकेशन की बात करें तो आपका पुणे, पुणे, मेवाली, दिवाली, अहमदाबाद,
ये आपकी पोस्ट है। अगर आपकी एज की बात करें तो 18 साल से 25 साल है, जनरल की ओबीसी की 18 से 28 है, SC ST की 18 से 30 साल है। यहाँ पे आपको 30 भी यहाँ पे आपकी एज वगैरह दे रखी है। नीचे आते हैं, नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 10th क्लास प्लस 12वीं प्लस ITI, आप इनमें तीनों से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इनमें। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं, नीचे और देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे देख सकते हैं नोट में लिख रखा है राइट टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपका होएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो जो दे रखा है, बाकी इसकी मैं जानकारी आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते ऑल ऑफ इंडिया वैकेंसी है, MTS वाशरमैन कुक, और ये माग रोल में वैकेंसी निकाली गई है। 10th क्लास से आपकी निकाली गई है, पुणे मुंबई दिवाली अहमदाबाद, ये आपकी वैकेंसी है। 8/10/2023 से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाले है इसके, 8/10/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। और अब इस पोर्टल पर आके जो है इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी दे रखी है, सबकी अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। यहाँ जब आओगे तो इस वाले देख सकते हैं आपकी इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, सबकी अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है और कौन सी कास्ट में कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब आते हैं नीचे, आपका जो नोटिफिकेशन आ चुका है वो 5/9/2023 में आ चुका है। फॉर्म स्टार्टिंग आपका 18/9/2023 से लेके लास्ट डेट आपकी 8/10/2023 में आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो 18 तारीख से फॉर्म इसका भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होएगा तो आपको मैं फॉर्म भर के भी ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 8/10/2023 के हिसाब से आपकी उम्र मांगी गई है, 18 साल से 25 साल की उम्र मांगी गई है। वो बाकी जो छूट मिलती है वो SC ST OBC वालों को छूट मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं फीस आपकी कोई भी नहीं है, फीस आपका कोई भी फीस नहीं रखी गई है इस फार्म में, फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म है ये। ऑल कास्ट के लिए मतलब सब बिरादरी के लिए कोई भी कास्ट आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फार्म, कोई भी फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी इस फार्म में। ठीक है दोस्तों, आप फ्री फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। कुक में देख सकते हैं क्या चीज़ मांगी गई है, क्वालिफिकेशन और इसमें क्या मांगा गया है सारा दे रखा है यहाँ पर। ओनली हाई स्कूल मांगा गया है। सिलेक्शन की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होएगा, एग्जाम होएगा, स्किल टेस्ट होएगा, मेडिकल टेस्ट मेडिकल होएगा, उसके बाद इंटरव्यू होएगा। ये सारा आपका होएगा जब आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आपका यहाँ पे इन्होंने साफ साफ इन्होंने दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आइए, नीचे आने बाद सैलरी भी आप देख सकते हैं 19,000 से लेकर 63,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी, और इसमें 18,000 से 56,000 के बीच सैलरी मिलेगी। तो दोनों में अलग अलग सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। और 2 घंटे का आपका एग्जाम होएगा यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वेश्चन आपके कौन कौन से आने वाले हैं यहाँ पे भी आपको ये दे रखा है, देख सकते हैं आप कौन से इसमें जो है क्वेश्चन आपके आएंगे। देख सकते हैं जनरल आएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। अभी नीचे आएगा, नीचे और बात करते हैं और क्या दे रखा है इन्होंने। और दोस्तों कुछ नहीं दे रखा है, तो जब इसका फॉर्म अप्लाई होएगा मैं अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा। बाकी वीडियो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने भाई को चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया करो। उससे क्या फ़ायदा है, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, और उससे ये फ़ायदा है आपके पास सबसे पहला वीडियो मिलेगी जिस भी वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें। कुछ पूछना हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।